लॉकडाउन का सातवां दिन है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी आह्वान किया गया है और पूरे देश प्रदेश सब जगह जो है लॉकडाउन है ताकि इसकी पालना की जाए और ये जो कोरोना वायरस की महामारी है ये ना फैले, इसको लेकर यमुनानगर की पुलिस भी जो है दिन रात सड़कों पर है और सबसे यही अपील की जा रही है कि अगर कोई ज़रूरत का काम है, कोई इमरजेंसी है तभी यहाँ पर निकले और हर आने जाने वाले वाहन की भी चेकिंग की जा रही है। इस समय हम मधु चौक पर खड़े हैं और पिछले काफ़ी दिनों से जो है दिन रात पुलिस यहाँ पर ड्यूटी दे रही है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर सबको समझा रही है। हमारे साथ यहाँ पर ट्रैफिक SHO ललित कुमार भी हैं, उनसे जानते हैं कि किन दिनों के अंदर किस प्रकार से पुलिस कार्य कर रही है और क्या लोगों से अपील की जा रही है, क्या समझाया जा रहा है और अब तक ट्रैफिक नियमों की अगर बात करें जो उल्लंघना कर रहा है उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है। सर, जिस प्रकार से देखें लॉकडाउन का सातवां दिन है, आप पिछले काफ़ी दिनों से दिन रात जो है सड़कों पर हैं, आपके कर्मचारी लोगों को समझा रहे हैं, कई लोग जो है इसमें भी ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई। यमुनानगर के अंदर जो ये कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ा हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण है लोग घरों में नहीं रह रहे, सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं, पांच पांच आदमी एक गाड़ी के अंदर तफरी करने के लिए घूम रहे हैं। हम उनको समझाते हैं कि भाई अपने घर रहो, हाथ जुड़वा लो, कुछ भी करवा लो, घर रहो, जो नहीं मानता उसके साथ सख्ती बरती जा रही है। हमने कल तक 20 लाख रुपये के ट्रैफिक चलान इम्पोज कर दिए लोगों के ऊपर, उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो उनकी गाड़ियाँ भी इम्पाउंड की जाएगी, सैकड़ों की तादाद में हमने गाड़ी भी इम्पाउंड कर रखी है अपनी थाने के अंदर गाड़ियाँ। सर, कुछ लोग ऐसा देखा गया है कि इस लॉकडाउन के अंदर भी जो है राशन बांटने के नाम पर भी जो है डिस्टेंस मेंटेन करने की बात की जा रही है, एक एक गाड़ी में जो कई लोग हैं, आपको क्या देखने में मिला इस समय? करीबन 2-3 दिन से ये देखने को आया है कि सभी कॉलोनियाँ शहरों की, मंदिर, गुरुद्वारे और जो संस्थाएं हैं यहाँ की, सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने अपने आप बिना परमिशन के राशन बांटना स्टार्ट कर दिया, खाना बना के, और उनके पास बांटने की कोई परमिशन नहीं है। इससे भी तो इन्फेक्शन फैल रहा है लेकिन लोग समझ नहीं रहे, अपने घर के अंदर इन्होंने रोटी बनवाई और बांटना स्टार्ट कर दिया लोगों को। तो जिस प्रकार से ट्रैफिक SHO ललित कुमार हमारे साथ थे और इन्होंने यही कहा कि इनकी बार बार हाथ जोड़ के जनता से यही अपील है कि बेवजह सड़कों पर ना निकलें और अब तक जो है करीब 20 लाख के जो है चालान 24 तारीख से लेकर अब तक किए जा चुके हैं। हमारे कई और सहयोगी भी यहाँ पर हैं, ETV भारत से हमारे सहयोगी जो है मैडम रजनी सोनी यहाँ पर हैं, इनसे जानते हैं कि ये लॉकडाउन को किस प्रकार से देख रही हैं और क्या माहौल इनको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन का असर काफ़ी हद तक तो कह सकते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है, लोग उसको मतलब फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देखने में ये आया है कि कुछ लोग बिना कार्य से घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है काफ़ी सख्ती से इनके साथ निपट रही है, पुलिस हर तरह से प्रयास कर रही है कि लोग घरों में बैठे रहें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यही नज़र आ रहा है कि बिना कार्य के जो है लोग घरों से निकल रहे हैं और बार बार यही जनता से अपील की जा रही है कि इस वायरस को अगर देश से ख़त्म करना है तो बिल्कुल अपने आप को घरों के अंदर बंद कर लें, बिल्कुल लॉकडाउन कर लें, यही अपील है। हम भी यही अपील करना चाहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से लॉकडाउन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज एक हफ्ता हो चुका है, यदि पुलिस प्रशासन की बात करें, जनरल प्रशासन की बात करें, तो सभी का जो काम है बहुत सराहनीय है। इसके अलावा जिस तरह से जो प्रवासी लेबर का एक समस्या आ गई थी उसको लेकर भी यहाँ पर शेल्टर बनाए गए, वहाँ पे भी अच्छा जो सुविधा, लेकिन अब जो सरकार ने समाज सेवी संस्थाओं को लेकर जिस तरह से जो लोगों को राशन वितरण का कार्य दिया है, इसमें ये भी एक बड़ा अच्छा कार्य है। जो गांव के गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, जो हज़ारों आदमियों को जो खाना है वो मिल रहा है घर बैठे, क्योंकि जो आदमी जिस भी जगह पर था उसको भाई राशन मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा जब पुलिस के लिए एक सरदर्दी बनी है, कुछ लोग जो है समाज सेवी संस्थाओं का नाम लेकर रोड पर आ जाते हैं और बेवजह पुलिस के लिए सिरदर्दी बन रही है, तो मेरी इन लोगों से भी अपील है कि वो लोग इसको मजाक में ना लें, जो असल में काम करे वो समाज सेवी संस्था तो रोड पर आए, नहीं तो आप घर में रहें, घर में कोई आपका इंतजार कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसके प्यार की जगह उसको बीमारी दे दें जाकर घर। तो ये थे हमारे सहयोगी जो कि वरिष्ठ पत्रकार देवीदास शारदा इंडिया न्यूज़ हरियाणा से जो है पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मीडिया भी बार बार आपसे यही अपील कर रहा है कि आप अपने घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन है उनको सहयोग करें ताकि ये लॉकडाउन जिस प्रकार से सफल हो रहा है आगे भी सफल हो, और बार बार यही अपील की जा रही है कि जो सरकार के आदेश हैं उनकी पालना करें, अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहें। आगे की अपडेट भी फिर आपसे रूबरू होंगे एक नई जगह से और आपको बताएंगे, लेकिन अब तक के लिए आपको यही कहना है कि अपने घरों के अंदर रहें और सुरक्षित रहें।